हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देव भूमि बीनू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल पीपल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता के भक्तों, आप सभी लोग सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस तरह पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूप संस्थितम्। नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूप संस्थितम्। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करें ताकि आपकी सर्व बाधा दूर हो सके। दोस्तों, दुर्गा जी की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को आनंद फल प्रदान करने वाला है। दोस्तों, इनकी उपासना से माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को आनंद फल प्रदान करने वाला है। इसलिए उपासना से मनुष्य में जप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाध्याय चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अब स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणिया तपश्रेणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रही। दधाना कर्प विद्यम समाला का मंडलम। देवी प्रसिद्धमयी ब्रह्मचारिणी नूतनम। माता के भक्तों, माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को आनंद फल देने वाला है। इसलिए इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और समय की वृद्धि होती है। भक्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमयी और
अत्यंत भव्य है। भक्तों, पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्रेणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर ताक पर निर्वाह किया। भक्तों, कुछ दिनों तक कठिन उपास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। दोस्तों, कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्ते को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम परना नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्तों, इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबके जीवन में उजियारा लाए। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।